संविधान चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा जनगणना के मामले को लेकर गर्जना की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देश को आजाद हुए आज भले ही 72 वर्ष हो रहे हो, लेकिन ओबीसी लोगों को अभी तक उचित न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते संविधान चौक में जनगणना के लिए ओबीसी ने गर्जना सभा का आयोजन किया है। इस गर्जना सभा में शहर के तमाम ओबीसी नेता कार्यकर्ता खासतौर पर मौजूद थे। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस महाराष्ट्र प्रवक्ता अतुल लोंडे इन्होंने जानकारी दी है। बाइट प्लस पीटीसी। ओबीसी को लेकर पूरे भारत वर्ष में कई प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज संविधान चौक पर फिर से एक बार ओबीसी द्वारा एक जनगणना इस विषय को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। और इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंडे जी, इस समय हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। अतुल जी, ये बताएं कि 1931 से लेकर अब तक के ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है, कई सरकारें आई हुई है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, हर विषय को एक समय होता है, हर विषय आने के लिए एक वक्त होता है। आज ओबीसी समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हमारे संख्या के मुताबिक हमें इस देश के संसाधनों में, शासन प्रशासन में, नौकरियों में हमारा हिस्सा जो है, हमारी सहभागिता जो है वो नहीं है। और मेरे हिसाब से ये देशहित की बात है। और ये देशहित की बात इसलिए है क्योंकि अगर कृषि में विकास करना हो तो कृषि पे जो बोझा है वो बोझा को कम करना होगा और लोगों को बाकी क्षेत्रों में डाइवर्ट करना होगा। तो आज अगर जनगणना नहीं हुई है तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि किस कैटेगरी का कौन सा कितना कितनी संख्या है और उसका बंटवारा कैसा किया जाए? इसलिए जो मांग है, ये मांग देश के हित में है, ये मांग संसाधनों का सबको बराबर का हिस्सा मिले इसके लिए है। लेकिन लोंडे साहब, जिस प्रकार से आज भाजपा के ऊपर में आप तोहमत लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन आपके कांग्रेस की भी सरकार थी, फिर उसके बारे में क्या कहोगे आप? ऐसा है कि कांग्रेस के जमाने में आरक्षण हो, संसाधनों का बंटवारा हो, उसको लेकर एक सोच थी और वो सोच सकारात्मक थी। अन्न सुरक्षा कायदा आप जानते हो, आप किसानों को मदद करने का कायदा जानते हो। 2004 से 2014 तक 14 से 18 प्रतिशत तक इजाफा जो है वो किसानों के दाम को मिला है, माल को मिला है। और धीरे धीरे इस चीज में हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब से भाजपा का शासन आया है इन्होंने सारे चीजों को उल्टा करना शुरू कर दिया है। उल्टी गिनती जो है वो शुरू कर दी है और वो देश के बड़े हिस्से, समाज के बड़े हिस्से के खिलाफ जा रही है। इसलिए तोहमत लगाने की बात नहीं है, ये हक मांगने की बात है। तो आपके अतुल लोंडे जिन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जनगणना का जो मुद्दा है वो काफी जटिल होते जा रहा है, ऐसे में भाजपा की जो सरकार थी उन्होंने भी जिस प्रकार से एक सहयोग करना चाहिए उन्होंने किया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय ओबीसी का जो मुद्दा है और भी गर्माया जाएगा, कहीं ना कहीं इसका हल निकलना ये समय की मांग है और ओबीसी समाज इसी की मांग कर रहा है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरा, NBC News नागपुर।